महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापन हुई है और इस सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके छह मंत्री हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है और शीत सत्र शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद काफी राजनीतिक उथल पुथल मची। राष्ट्रपति शासन से राज्य को गुजरना पड़ा और आखिरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापित हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ छह मंत्रियों का ही शपथ विधि हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। 1956 को नागपुर करार हुआ, इसके तहत नागपुर को उपराजधानी का दर्जा मिला है। तय हुआ कि विधानमंडल का एक सत्र यहां अनिवार्य रूप से होगा जिसकी अवधि एक महीने होगी, लेकिन महाराष्ट्र की तमाम सरकारों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। धीरे धीरे सत्र को गुलाबी ठंड में 3 दिन की पिकनिक और हुड्डा पार्टी का नाम मिलने लगा। हर वर्ष शीत सत्र के लिए पूरा मंत्रालय यहाँ पर पहुँचता है। सचिवालय का कामकाज आरंभ होते ही वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ जाता है। इन सब पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन शीत सत्र शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी है और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। विरोधी पक्ष भी मजबूत है और कई मुद्दों को लेकर घेरने वाली है, जिससे अनेक मुद्दों पर घमासान इस शीत सत्र में देखने को मिल सकता है। इसमें किसी भी तरह की दो राह नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात ये भी है कि इस बार शीत सत्र काफी कम दिन चलेगा और इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से विषयों पर चर्चा होगी और क्या विदर्भ के मुद्दों को इनमें स्थान मिलेगा, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।